जैसे जैसे बिग बॉस का फिनाले नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिलहाल बिग बॉस 17 में जो है वो फैमिली वीक चल रहा है, यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी फैमिली के सदस्य जो हैं वो बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं। और एक बार फिर विक्की जैन की माँ और अंकिता लोखंडे की माँ को भी ये मौका मिला, वो दोनों अंदर गए। लेकिन जब अंदर से बाहर आई तो विक्की जैन की माँ के सुर थोड़े से बदले हुए नज़र आए। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान जो है वो कई ऐसी बातें कही जो शायद अंकिता जैन को जब पता चलेगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो रहेगी अपनी सासू माँ से। दरअसल विक्की जैन की माँ ने कहा कि अंकिता से शादी का जो विक्की जैन का फैसला था उससे उनका परिवार पूरी तरह से सहमत नहीं था, लेकिन विक्की जैन जो है वो पूरी तरह से अड़ चुके थे, वो अंकिता से शादी करना चाहते थे और इसीलिए परिवार वालों को भी अपनी सहमति देनी पड़ी। हालांकि परिवार वाले इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। अब जबकि बिग बॉस के अंदर उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो जब वो बिग बॉस से बाहर आएंगे तो वो अपना मामला खुद ब खुद सुलझा लेंगे, इसमें भी परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। वहीं अंकिता जैन के बारे में जो है वो विक्की की माँ ने एक बार फिर ये कहा कि वो अक्सर जो है बिग बॉस में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करती हैं और वो इसलिए करती हैं कि वो सुर्खियाँ पाना चाहती हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल बिग बॉस में सिंपैथी पाने के लिए करती हैं। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे जैन के समर्थन में जो है वहीं अब कंगना रनौत भी आ चुकी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है, कंगना रनौत ने कहा है कि अंकिता जो है वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, लेकिन उनको गेम जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि वही जीतें, लेकिन जब वो बाहर आएँ तो अपने रिश्तों के शर्त पर उनको गेम नहीं जीतना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्सर अंकिता और विक्की जैन के बीच की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों कपल आए तो थे यहाँ पर प्यार का पैगाम देने के लिए, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तकरार होती हुई दिख रही है। बिल्कुल भी अंकिता को पसंद नहीं आता कि विक्की जैन किसी दूसरी महिलाओं से ज़्यादा घुले मिले। हालांकि उनकी सास का ये कहना है कि जब वो विक्की पर पाबंदी लगाती हैं तो उन्हें खुद भी सचेत होना चाहिए और उन्हें इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि उनका इशारा जो था, विक्की जैन की माँ का इशारा जो था वो मुनव्वर की तरफ था, क्योंकि वो अंकिता जो है काफ़ी ज़्यादा उनसे घुल मिल जाती हैं जो कि विक्की के परिवार को पसंद नहीं है और इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही है। हालांकि अभी तक जो है अंकिता लोखंडे की माँ की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया, वो हमेशा बहुत ही नर्म दिखाई दी हैं। जितनी बार भी वो दो बार आ चुकी हैं बिग बॉस में, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी तरह के बात जिक्र नहीं किया। वो दोनों विक्की को और अंकिता अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए नज़र आई हैं, लेकिन पिछली बार भी जो है जब विक्की जैन की माँ जो है वो आई थी बिग बॉस में, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि अंकिता भड़क गई थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर विक्की से कहा था कि तुमने इतनी छूट क्यों दे रखी है, उस पर जो है अंकिता जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी। इस बार भी जब वो आई हैं तो उन्होंने अपनी बहू से यानी कि अंकिता लोखंडे से ये बात कही कि जब तुमने विक्की को लात मारने वाली बात कही थी तो तुरंत विक्की के पिताजी ने तुम्हारी माँ को फ़ोन करके कहा था कि क्या तुम भी ऐसे ही करती थी, जिसके बाद एक बार फिर से अंकिता नाराज़ होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि माँ प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को इस मामले में मत लेकर आइए, मेरे पिताजी की अभी मृत्यु हुई है तो आप मेरे माँ और पिताजी को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये बिग बॉस 17 जो है वो कहीं ना कहीं विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की लड़ाई नोक झोंक से भरी पड़ी है और काफ़ी एंटरटेनिंग होती जा रही है।